Hello everyone. Firstly, please forgive me for my poor pronunciation. Let's start. Quality of a good translation. A good translation is easily understood, fluent and smooth, is idiomatic, convey to some extent the literary subtleties of the original, distinguish between the metaphor and the literal, reconstructs the cultural historical context of the original, makes explicit what is implied, abbreviations and in allusion to sing song and nursery rhyme. मतलब एक अच्छा जो ट्रांसलेशन है उसकी क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, फ्लुएंट एंड स्मूथ होगा, आइडियोमैटिक मतलब मुहावरेदार होगा, कुछ उसकी जो शब्दकोश होंगी, उसकी जो बारीकियां होंगी वो ओरिजिनल टेक्स्ट के अनुसार ही अच्छी होंगी, और डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटाफर एंड द लिटरल रिकन्स्ट्रक्ट्स, जो मेटाफर और लिटरल रिकन्स्ट्रक्ट है, मतलब कि जो शब्द को उसका फिर से यूज़ किया गया है, जो रूप हैं उसके, उसी अनुसार वो कल्चरल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अनुसार उसको ट्रांसलेट किया गया होगा. जो एम्ब्रीविएशंस हैं, जो उसको हमने एक्सप्लेन किया है, एब्रीविएशंस मतलब होता है संक्षेपाक्षर, मतलब कि जो हम किसी भी एल्यूजन्स हैं, मतलब एल्यूजन्स मतलब तो संकेत होता है ना, उसको जो हम एक वे दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे ट्रांसलेट किए हैं, उसको हम उसी वे में उसी तरीके से उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे. ठीक है, सेइंग अ सॉन्ग नर्सरी राइम, मतलब जैसे कि अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो गाने को हम ईजिली स्मूथली फ्लुएंटली गा सके, और जो नर्सरी के राइम्स होते हैं वो भी समटाइम्स बहुत ईजी और स्मूथ होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं बोलने में. दैट्स मीन कि इट इज़ अ गुड ट्रांसलेशन. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. विल कन्वे एज मच पॉसिबल द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट. हम उसको कन्वे करते हैं, मतलब फिर से वही जो संप्रेषित, कन्वे मतलब होता है संप्रेषित करना, संप्रेषित मतलब फिर से, मतलब उसी चीज़ को एज मच एज पॉसिबल जैसा है वो है उसी के अनुसार हम उस ओरिजिनल टेक्स्ट के अनुसार ही हम उसको बनाते हैं, मतलब ट्रांसलेट करते हैं. सॉरी, क्राइटेरिया फॉर अ गुड ट्रांसलेशन 3.3 मेन प्रिंसिपल. जो क्राइटेरिया है एक अच्छे ट्रांसलेशन का वो इन उसका जो सॉरी क्राइटेरिया फॉर अ गुड ट्रांसलेशन 3 मेन प्रिंसिपल, तीन मेन प्रिंसिपल है एक अच्छे ट्रांसलेशन का. फर्स्ट है द नॉलेज ऑफ ग्रामर ऑफ द एसल प्लस द नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी एज वेल एज गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट टू बी ट्रांसलेट. जो फर्स्ट है वो नॉलेज होना चाहिए ग्रामर का, एसल मतलब सोर्स लैंग्वेज जिसको हम ट्रांसलेट करने वाले हैं. ठीक है, प्लस द नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी, अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए, मतलब हमारा जो वोकैब है, जो मीनिंग है वो हमें बहुत अच्छे से और पता होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड हम उसको अच्छे से समझ पाएँ टेक्स्ट को, तभी हम अच्छे से इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे. द एबिलिटी ऑफ द ट्रांसलेशन और रिकोगनाइज द रिकन्सिस्ट ऑफ द गिवन इन टू द टीयर. जो एक अच्छा ट्रांसलेटर होगा वही रिकॉग्नाइज करके इसको रिकन्सिस्ट द गिवन इनटू द टीएल, रिकन्सिस्ट कर पाएगा टेक्स्ट को टीएल में, मतलब एसएल को टीएल में, मतलब सोर्स लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में. द ट्रांसलेशन शुड कैप्चर द स्टाइल और एटमॉस्फेयर ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट. इट शुड हैव ऑल द केस ऑफ एन ओरिजिनल कंपोजिशंस. मतलब जो एक ट्रांसलेशन का जो शब्द है, जो स्टाइल है, उसको हम उस अनुवाद के अनुसार, अनुवाद जैसे कर रहे हैं उसका एटमॉस्फेयर, उसकी ओरिजिनल टेक्स्ट के अनुसार ही हम उसको संयोजित, मतलब प्रदर्शित कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विबैलेंस. इक्विबैलेंस मतलब होता है किसी चीज़ को बैलेंस करना, मतलब हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं इक्विबैलेंस ऑफ कॉन्सेप्ट, वैसे ही इसमें भी है ट्रांसलेशन का क्या इक्विबैलेंस होना चाहिए, उसका क्या कॉन्सेप्ट है. इक्विबैलेंस इज़ वन ऑफ द
कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन इज ऑफ्टन वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट व्हेन एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेशन। इक्विवेलेंस का मूल कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट व्हेन एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का जो इक्विवेलेंस इज वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन। इक्विवेलेंस का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अक्सर हम लोग बेस्ट प्लेस से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, मतलब किसी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करते हैं, वहीं से स्टार्टिंग होती है ट्रांसलेशन की। टाइप ऑफ इक्विवेलेंस, फोर टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंस, चार टाइप के हैं इक्विवेलेंस। पहली जो है वो लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक इक्विवेलेंस, सिमिलैरिटी बिटवीन वर्ड ऑफ द एसएल एंड टीएल, दिस इज अकर इन द वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। लिंग्विस्टिक मतलब अगर हम किसी टेक्स्ट को लिंग्विस्टिक बेस पे ट्रांसलेट करते हैं तो हम एक्यूरेट करेंगे वर्ड बाय वर्ड, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, उसमें कुछ भी कल्चर के वाइज, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के वाइज कुछ भी उसमें चेंज नहीं करेंगे, हम जैसा सोर्स लैंग्वेज है उसको हम टारगेट लैंग्वेज में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट कर देंगे। ओके, पैराडाइमेटिक इक्विवेलेंस मतलब सिमिलैरिटी बिटवीन ग्रामेटिकल कंपोनेंट्स एंड टू टेक्स्ट, मतलब दो टेक्स्ट के बीच में जो सिमिलर होना चाहिए वो सिमिलैरिटी होनी चाहिए ग्रामेटिकल कंपोनेंट्स में, सिमिलैरिटी बिटवीन ग्रामेटिकल कंपोनेंट्स इन टू टेक्स्ट, मतलब एसएल और टीएल के बीच में ग्रामेटिशनल कंपोनेंट्स है वो एकदम बैलेंस होने चाहिए, कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी कहीं हम एज आर एम विल हैव शैव इन सब चीज़ों के बदले मतलब कुछ भी वहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। वैसे हम किसी चीज़ की ट्रांसलेशन में हमेशा या तो पास्ट का यूज़ करते हैं या फिर पास्ट का यूज करते हैं या फ्यूचर का, प्रेजेंट का तो नहीं करेंगे वैसे ही। स्टैलिस्टिक इक्विवेलेंस, सिमिलैरिटी इन द मीनिंग ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द एक्सप्रेस टेक्स्ट मैसेज, टेक्सुअल इक्विवेलेंस, सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट। सिमिलैरिटी होनी चाहिए, उसका जो इम्पैक्ट एक्सप्रेस्ड है, जो मीनिंग है, जो टेक्सुअल मीनिंग है वो इक्विवेलेंस होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए स्ट्रक्चर में और उसके फॉर्म में भी, जो टेक्स्ट का फॉर्म है जो स्ट्रक्चर है उसमें सिमिलर होना चाहिए इन अ टेक्सुअल वे में। ओके, इन फॉर्मल इक्विवेलेंस देयर इज अ कंप्लीट करस्पॉन्डिंग बिटवीन टू टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड कॉन्टेक्ट एंड इट विल ट्राई टू कन्वे एज मच अबाउट द एसएल टेक्स्ट एज इज पॉसिबल। द फेथफुली ट्रांसलेशन वुड बी कैरेक्टराइज्ड बाई फॉर्मल इक्विवेलेंस। जो फॉर्मल इक्विवेलेंस है उसमें जो कंप्लीट करस्पॉन्डिंग है दो टेक्स्ट के बीच में, उसका स्ट्रक्चर जो कॉन्टेक्स्ट है वो कन्वे होना चाहिए, कन्वे मतलब सेपरेटेड होता है, पर मतलब वही कि हम उसको कैसे उस बारे में मतलब एसएल को टीएल में कैसे कन्वे कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल है फेथफुली ट्रांसलेशन, उसका जो फॉर्म है वो इक्विवेलेंस होना चाहिए। डायमैनिक इक्विवेलेंस एम्स एट क्रिएशन aim creating a similar relations impact as the SL text on the reader or to recreate a similar relationship between the reader distance and the text. Both form of equivalence have their pros and cons and are relevant according to the context of the translation. Pros and cons मतलब होता है advantage and disadvantage, मतलब इन सब में जो dynamic equivalence, dynamic मतलब changeable होता है, डायनेमिक हम तब यूज़ करेंगे जब हम किसी मतलब कल्चरल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चेंज हो रहा है तभी हम डायनेमिक का यूज़ करते हैं। तो वैसे ही यूज़ हो रहा है कि हम जब डायनेमिक इक्विवेलेंस आता है, जब हम चेंजेबल इक्विवेलेंस को दर्शाते हैं तो उसका जो एडवांटेज है, जो उसका प्रोन्स है, जो कॉन्स है, डिसएडवांटेज है, उसका जो फॉर्म है वो कैसे रिलेवेंट होता है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इन अ ट्रांसलेशन। ओके, जो भी इसमें वर्ड्स वर्ड मीनिंग है उसको हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा और प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माय वर्ड्स प्रोनंसिएशन प्लीज़।